सीएम नीतीश ने मीठापुर महुले के बीच बन रहे एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया है। करबिघैया के पास निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद सीएम ने कहा है कि तेजी से काम हो रहा है, उम्मीद है कि समय पर काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि करबिघैया से महुली तक 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य 15 मार्च 2024 तक पूरा करना है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने दानापुर बेहटा एलिवेटेड रोड का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सीएम ने कहा है कि एलिवेटेड रोड के लिए रेलवे की तरफ से सारी दिक्कतें हो गई हैं और उसका पूरा अनुमति दिया गया है। वहीं जल्द ही दानापुर से बेहटा के लिए एलिवेटेड रोड तैयार किया जाएगा। बिहार विधानसभा में जल संसाधन विभाग के अनुदान पर वाद विवाद हुआ है, जिसमें जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने सदन में 45 अरब 10 करोड़ 56 लाख अनुदान मांग पेश किया, जिस पर आरजेडी सदस्य ललित यादव ने कटौती प्रस्ताव पेश किया, जिसके साथ ही आरजेडी सदस्य चेतन आनंद का आरोप लगा है कि बाढ़ के पूर्व तैयारी नहीं हुई है। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सरकार की ओर से जल संसाधन विभाग के बजट पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार हर समय बोलते रहे हैं कि जब तक जल और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। पूरे बिहार और देश के धार्मिक स्थल गया के फल्गु नदी में 2022 तक रबर डैम का निर्माण पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया है कि पहले ये लक्ष्य 2023 तक पूरा करने का था, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने वहां जाकर जायजा लिया और 2022 में ही काम को पूरा करने का निर्देश दिया, जिसके बाद तेजी से काम किया गया और जब 2022 में पितृपक्ष से पहले निर्माण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है, गया राजगीर और नवादा के लोगों को गंगा जल पहुंचाने की योजना भी पूर्ण होने की ओर है। इस साल जून महीने में गंगा जल पहुंच जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नदियों को जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है। बागमती नदी का पानी गंडक नदी में प्रवाहित किया जाएगा। इंटरलिंकिंग की पहली परियोजना सीमांचल में शुरू की जा रही है। इस योजना के पूरे होने से 2,15,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, साथ ही बाढ़ से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि लखनदेही नदी की पुरानी धार को नई धारा में मिलाने का भी काम शुरू हो रहा है। मंत्री संजय झा के जवाब से संतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। विधानसभा में जल संसाधन विभाग के अनुदान मांग स्वीकृति हो गई है। विधानसभा की कार्यवाही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सवाल से शुरू हुई। तेजस्वी यादव ने बिहार में मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराए जाने को लेकर सरकार से सवाल किया था, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया उससे तेजस्वी असंतुष्ट दिखे। आरोप लगाया है कि सरकार की तरफ से सदन में दिया गया जवाब बिल्कुल गलत है, सरकार आंकड़ों की हेराफेरी कर रही है। तेजस्वी ने इसके लिए मनरेगा की राष्ट्रीय वेबसाइट का हवाला दिया। तेजस्वी के अनुसार बिहार में 1,53,00,000 मजदूर मनरेगा की साइट पर रजिस्टर्ड है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 61 लाख के लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार मिला है, जबकि तेजस्वी का कहना है कि सिर्फ 45 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है। तो वहीं इस मामले पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने जवाब देते हुए कहा है कि पूरा मामले की जांच कराकर एक सप्ताह के अंदर सदन को अवगत कराया जाए। जिस अधिकारी ने गलत डाटा दिया है उस पर कार्रवाई होगी। शेखपुरा में तिरमुहानी मोड़ स्थित अशोका होटल में जदयू का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जदयू के तमाम कार्यकर्ता और नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह का एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह एमएलसी प्रत्याशी संजय सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। यूपी चुनाव पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि बिहार में एनडीए की गठबंधन अटूट है और रहेगी, यूपी के चुनाव से बिहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बिहार की कई योजनाओं को दूसरे प्रदेशों में भी लागू किया है। ललन सिंह ने विधान परिषद के सभी सीटों पर जीत का दावा किया।
जल संसाधन विभाग के बजट पर मंत्री के भाषण से नाराज भाकपा माले के सदस्यों ने सदन का बहिष्कार कर दिया। बाहर में मीडिया के सवालों पर कहा है कि बाढ़ की विभीषिका हर साल बिहार झेलती है, लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं करती है। बजट में बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। विधानसभा में बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने विधानसभा क्षेत्रों में होने वाली बैठकों में विधायक प्रतिनिधि को भी शामिल होने की इजाजत देने की मांग की। विद्यालय प्रबंध समिति के अलावा अन्य समिति जैसे नगर परिषद, नगर पंचायत, 20 सूत्री कार्यक्रम, अनुश्रवण समिति, आपदा प्रबंधन समिति समेत अनेक विकास समितियों की बैठक में विधायक प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग संजय सरावगिनी ने उठाई है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार इस पर विचार करेगी। राजद के विधान परिषद मोहम्मद फारूक ने गलत आंकड़ा बताने और सड़क बनाने के नाम पर वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी सदस्यों के सवालों पर सरकार सही से जवाब तक नहीं देती है। सदन में संख्या बल कम होने से हमारी आवाज को दबाई जाती है। सीतामढ़ी के बरगीनिया जो रामायण सर्किट से जुड़ा है, इसकी भी अनदेखी की जा रही है। जमीनी स्तर पर काम नहीं होता है, सरकार सिर्फ कागज पर ही काम को दिखाती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उनसे यह पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद यानी कि 10 मार्च के बाद बिहार में भी कुछ होगा, तो उन्होंने कहा है कि हर घटना के बाद रिएक्शन होता है, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बच्चौल ने कहा है कि गुरुवार को उत्तर प्रदेश चुनाव परिणाम के बाद गुलाल और अबीर चलेगा, अब राष्ट्र विरोधी ताकतों पर भी बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा है कि साइकिल पंचर हो गई है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। राष्ट्र विरोधी ताकत गुरुवार से भागती फिरेंगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी सदस्यों ने हंगामा किया और वेल में आकर विरोध किया। वहीं गठबंधन में शामिल कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार के तहत काम कर रही अफसरशाही का जमकर निशाना साधा। सदन में कागज लहराते हुए प्रदीप यादव ने सचिवालय के अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उधर बीजेपी के सीपी सिंह ने सरकार से पिछले कुछ सालों में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों की जानकारी देने की मांग की। वहीं कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने इसे गंभीर मामला बताया और सरकार से सदन को सही जानकारी देने की बात कही। सदस्यों ने विभागीय मंत्री पर इस मामले में जानकारी नहीं होने का आरोप लगाया। बाद में स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने इस सवाल को परिवहन विभाग को सौंपने की बात कही। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक बिंदु तिर्की ने मांजर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मांजर प्रखंड के जलेश्वर धाम, लापुंग प्रखंड के बाबा बनखेरी धाम को पर्यटक स्थल और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के मामले को उठाया। भागलपुर बम धमाकों की जांच के बीच एक बार फिर बिहार में बम धमाका हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और एक घायल है। गोपालगंज के फुलवरिया के बतुआ बाजार में बम धमाका हुआ है। दरअसल फुलवरिया थाना क्षेत्र के बतुआ बाजार में पटाखा बम बनाने के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिससे बम बनाने वाले एक शख्स अलीम मियां की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसका बेटा घायल हो गया है, जिसे गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। होली पर्व को लेकर यहां पर बड़े पैमाने पर पटाखा निर्माण किया जा रहा था, इसी दौरान असावधानी की वजह से शायद यह बम धमाका हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि धमाके के वक्त पूरा इलाका दहल गया। जिस मकान में ब्लास्ट हुआ वह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इतना ही नहीं, आसपास के घरों में भी दरारें पड़ गई हैं। घटना की सूचना के बाद मौके पर सारण डीआईजी रविंद्र कुमार और एसपी मौके पर पहुंचे। फिलहाल घटना स्थल को सील कर दिया गया है और आसपास के घरों को खाली करा दिया गया है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुँच कर जाँच कर रही है।
वहीं विधानसभा की कार्यवाही के शुरू होने से पहले सदन के बाहर बीजेपी के सदस्यों ने एक बार फिर से हंगामा किया। हाथों में तख्तियां लिए पार्टी विधायकों ने सरकार से मांग की। इस दौरान पार्टी विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि राज्य के बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि राज्य में अवैध प्रवासियों की तादाद बढ़ती जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि सरकार लोगों के हक में काम कर रही है।